इटावा जनपद की सदर विधानसभा में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कल इटावा में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा दिए गए बयान पर सुब्रत पाठक ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये उनकी भाषा से समझ में आ जाता है। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि योगी के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि योगी का ना कोई परिवार है ना कोई रिश्तेदार, वह खुद ही सन्यासी है और उनका मंदिर बहुत ही समृद्धशाली है। अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि उनके लिए यूथ और बूथ उनका परिवार है, उनके चाचा बैठकर तय कर ले, उसके बाद आगे की चीजें तय होगी। सपा और बसपा के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन एक जाति का सम्मेलन है, जबकि भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन किसी भी जाति का नहीं है, क्योंकि विद्वान किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में पैदा हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी ऐसे लोगों का सम्मान कर रही है। इसी के साथ कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की कई उपलब्धियां भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में गिनाई। ओम प्रकाश राजभर किस प्रकार से फ्रस्ट्रेटेड हैं उनकी भाषा से समझ में आता है और योगी जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा ही नहीं सकता। योगी जी किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे, ना उनका कोई परिवार है, ना उनका कोई रिश्तेदार है, ना कोई नातेदार है, आखिर किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे? जो सन्यासी खुद में सन्यासी हो और जिसका मंदिर ही इतना समृद्धशाली हो, उसको भ्रष्टाचार किसके लिए करना है? उन्होंने कहा है कि मुफ्ता के ऊपर इसलिए सरकार आरोप लगा रही है, अपराधी है, क्योंकि वह मुसलमान है, उन्हें इसीलिए उठाई जा रही है। अब ये उनका मुख्तार के प्रति प्यार है, वो क्यों है ये उनसे पूछा जाना चाहिए। जिस तरह से लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, आपने एक बात कही है पार्टी की पार्टियां, लेकिन सभी लोग ब्राह्मणों पर जाने का काम कर रहे हैं, ये आपको ऐसा लगता है कि आवश्यकता है भाजपा को? इस देश का, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण राष्ट्रवादी है और जब राष्ट्र की बात आती है तो वो राष्ट्र के साथ रहता है, उसे मालूम है राष्ट्र के लिए कौन काम कर रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन के आधार पर ही हम चुनाव में आए हैं और जिस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल जो सुशासन दिया है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, कानून के राज की यहाँ के ऊपर स्थापना हुई है, हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव को हम जीतेंगे। देखो, अखिलेश के लिए तो चूंकि उनके लिए यूथ और बूथ सब उनका परिवार है, तो पहले वो उनके चाचा बैठकर तय कर लें, फिर आगे चीजें तय होंगी अपने आप। इटावा जनपद की तीनों विधानसभाओं इटावा सदर, भरतना विधानसभा व जसवंत नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा इटावा की सदर विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक पहुंचे और उन्होंने अपने उद्बोधन में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियां गिनाई। अविनाश कुमार उर्फ चंदू जी की ओर से विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर कथारा क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।